आराम से, आराम से, केयरफुल, गुड, चलो बेटर। आई एम फाइन, आई एम फाइन। ओके ओके ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ ये तुम्हारी बूजी तो ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन मुझे तो उनसे ही मिलना था। एनीवे कंग्रेचुलेशंस प्राची। यहाँ से चलते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लगता। वैसे आई एम रियली सॉरी, मैं भी आप लोगों के साथ चलती, लेकिन मुझे बूजी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। रणवीर जी, आपको यहाँ साइन करना होगा। अरे मैंने क्या किया? यही कि सबूत पुलिस को आपने दी थी। ओह लाइक कहाँ पे? थैंक यू सो मच, आपने प्राची को इजाजत दे दी हमारे साथ फिर काम करने की। इजाजत कहाँ, डिसीजन तो इसी का है। नहीं मतलब आप बेशक ना भी कर सकती थी ना। प्राची की जगह रणबीर होता तो मैं तो डेफिनेटली उसे मना कर देती ऑफिस ज्वाइन करने से। आई मीन अगर बॉसेस हमारे जैसे हो तो, लेकिन आप हमारे जैसे नहीं है। आप बहुत अच्छी है। थैंक यू वंस अगेन। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, तभी तो आपसे इतना कनेक्शन है प्राची का। हेलो मम्मी जी। ओए पल्लो, क्या हुआ मम्मी जी? हाँ पुत्र, सब ठीक है, सब चंगा है। वो माया के ना बड़े पापा आए हैं शादी का शगुन लेके। पूछ रहे हैं कि कब तक आओगे तुम लोग। मम्मी जी उन्हें कह दीजिए कि हमें आने में देर होगी। हाँ ठीक है ठीक है। वो जी उनको तो टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात। आप ये शगुन का सामान रखिए, अब कल मिलते हैं डायरेक्टली शादी में। चंगा जी चंगा। क्या हुआ? मम्मी जी का फोन था। पर हुआ क्या, क्या बोली वो? अरे माया के बड़े पापा घर पहुंच गए शगुन की थाली लेकर। कह रहे कल ही करेंगे रणबीर और माया की शादी। मैंने तो कह दिया उनसे कि हम घर लेट पहुंचेंगे। से कैसे शादी? अब देख के चलो ना सीधा। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो आंटी आप? तू एक काम कर, प्रज्ञा को फोन करना, पूछ कब तक आएंगे। अभी 5 मिनट पहले तो फोन करवाया था आपने मुझसे। हाय 5 मिनट, मुझे तो लगता है कि 5 कलाक थे ही गया। अरे थोड़ा सब्र रखो, आ जाएंगे, आने ही वाले होंगे कहीं। वो तो मुझे भी पता है कि आ जाएंगे, पर मन तो करता है कि आए तो दोनों को गले लगा दूं और हाय हाय, आज मैंने कुछ और मांगा होता तो भी मिल जाता। अच्छा वो तो आ गई, कब से इंतजार कर रही थी। और प्रज्ञा का है? अरे वो सब छोड़, पहले ये बता कि उस चोर को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। हम लोग जानते हैं उसे, कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी ना। मोहल्ले का है, बता ना जल्दी। प्रज्ञा का है? अरे एक सेकंड, कितने सवाल एक एक करके पूछो ना, साथ में कैसे जवाब दूंगी। चाचा तू एक एक करके जवाब दे दे। माँ वो दिया है ना, उसे काढ़ा बनाना नहीं आता तो माँ गई उसे सिखाने के लिए, और असली चोर पकड़ा गया। कौन है वो? हम जानते हैं उसे। जानते हैं? संजू। संजू कौन? संजू लफंगा। लफंगा उसकी सरनेम है? अरे नहीं, संजू लफंगा एक नंबर का बदमाश है वो। प्राची ने ना होशियार पर मुझको एक चमाट लगाया था तेज का। अरे वो शादी करना चाहता था प्राची से, लगता आज तक तो भूला नहीं वो। तो चमाट का बदला ऐसे लिया उसने? सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अकेला नहीं है। तो कौन है? कोई लेडी है जो ये सब करा रही है। कौन है वो लेडी? मुझे नहीं पता, पुलिस स्टेशन में सुना मैंने। कोई औरत है जो इस चोरी की मास्टर माइंड है।
नमस्ते जी। सही घर है, सही घर है। क्या है, सारे के सारे घर एक ही जैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे। पूरा अंदर आ सकते हैं? आ तो गए हैं आप। तो रणबीर और माया की शादी का इन्विटेशन तो मिल ही गया होगा आप लोग? बढ़िया, एक सेकेंड। हाँ एकदम एकदम सही है, करेक्ट घर है। आ जाओ, वो छोटा सा दरवाजा गंदा सा वहीं पे। हाँ वो माया और उसकी माँ भी आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो मैं कह रहा था कि कल रणबीर और माया की शादी है और आप सभी लोग अनइनवाइटेड हैं। क्या नहीं पूछो क्यों? क्या है, जब तक मैं यहां पे नहीं था तब तक आप लोग इनवाइटेड थे, लेकिन अब मेरे आने के बाद आप लोग अनइनवाइटेड हैं। क्योंकि अगर आप लोग अपनी खूबसूरत शक्लें लेकर वहां पर आओगे तो माहौल खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपनी अपनी खूबसूरत शक्लें लेकर वहां पर मत आइएगा। आप लोग समझ गए ना कि मैं क्या कह रहा हूं? या फिर दूसरी भाषा में समझाऊं? ये सारा सामान वापस कर सकते हैं ना? उन्हें बोल देंगे कि ये शादी नहीं करवानी हमें, राइट? नहीं नहीं नहीं। रणबीर क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हाँ क्योंकि जब तुम नहीं थे यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है। रणबीर अब मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, टेल मी क्या हुआ है? कैसे बताऊँ, कहाँ से शुरू? अरे रणबीर ऐसा, सुनो मेरी बात सुनो। बस मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम ये समझो ये बात कि हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है शादी तोड़ने की, पर नहीं हो पा रहा है। माया के घर वाले बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं यार, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। हम कुछ भी करें वो लोग शादी करके ही मानेंगे। रणबीर आई कांट बिलीव इट। अगर माया की फैमिली एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करती है तो सो आर वी, वी आर आल्सो प्रीटी इन्फ्लुएंशियल, राइट? है ना? अरे हम उन्हें बोल देंगे कि हमें शादी नहीं करवानी, दैट्स इट। रिया ये आसान नहीं है, रणबीर जो कह रहा है सही कह रहा है। क्यों आसान नहीं है? मैं जा रहा हूं यार टेरेस पे, आप लोग प्लीज। रणबीर बुजी, अब आप ही कुछ कर सकती है बुजी, प्लीज डू समथिंग। लीव इट नाउ रिया, प्लीज बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। वी हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल। समझ में नहीं आ रहा है इस मुसीबत से जान कैसे छूटेगी। रणबीर भी सोचता होगा उसका बाप कैसा है। ये मुश्किल घड़ी से निकाल ही नहीं पा रहा है उसे। मुझे नहीं पता, लेकिन ये शादी नहीं होगी। रणबीर और माया की शादी नहीं हो सकती, दैट्स इट। मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करूंगी। मैं रणबीर से बात करती हूँ। बच्ची है बेचारी, उसे नहीं पता कि उसके पीछे से यहाँ क्या क्या हो गया। माया और उसकी माँ को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन उस डाकू दुष्यंत से कैसे निपटेंगे? हिंदी और अंग्रेजी में तो आपने हमें समझा दिया, अब हम आपको देहाती में बनारसी भाषा में समझाते हैं कि गलती करने का नतीजा क्या होता है। हमारे यहाँ जब किसी परिवार से रिश्ता होता है ना, तो सिर्फ वो परिवार ही नहीं, पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा गाँव हमारी चाकरी में लग जाता है। फिर चाहे वो कोहली परिवार हो या फिर मेरा परिवार, गलती जिससे भी हुई हो सजा तो उसको मिलेगी। और हाँ एक बात और, ये तो गनीमत समझिए कि हमारी भतीजी माया आपके रणबीर से प्यार करती है, इसलिए हम इस गलती को माफ कर रहे हैं। अगर ये गलती किसी और ने की होती तो उसके और उसके परिवार की टांगे चीर कर हम उसे बौना बना देते। ये पहली और आखिरी बार है जो हम इस गलती को माफ कर रहे हैं। आगे से याद रखिएगा, कभी भी हमारी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो इस बार तो हम चेतावनी देने आए हैं, अगली बार आपको आगाह करने वाला भी कोई नहीं होगा। लगता है दुष्यंत सिंह शोभे को फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं। पुलिस थाने जाना चाहेंगे आप? बुलाओ बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, हम भी तो देखें आखिर पुलिस आकर इस बार किसे गिरफ्तार करती है, हमें या फिर आपको। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या हुआ? ये अचानक तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदलने लगा? अभी तो तुम्हारा चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ लाल हो रखा था, फिर अचानक अभी सफेद और फीका कैसे पड़ गया? कोई पुराना गुनाह तो नहीं याद आ गया? हम याद दिलाते हैं, दरअसल तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है जो तुम्हें याद नहीं है, हम तुम्हें याद दिला देते हैं। तुमने हमारी भतीजी माया को आत्महत्या करने के लिए भड़काया। वो तो गनीमत थी कि हमने सही समय पर पहुंचकर उसे फोन करके रोक लिया, वरना वो तो। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था।
I didn't ask anyone to come to side. हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि अगर मैं उसकी जगह होती तो ये शब्दों का ताना बाना बुनना बंद कीजिए मैडम. शब्दों का जाल बुनना हमें बहुत अच्छी तरह आता है क्योंकि राजनीति हमारे खून में है. पब्लिक को कब भड़काना है कब शांत रखना है ये हम अक्सर रैलियों में किया करते हैं. और हाँ, हम आपको सजा देने नहीं आए, हम आपको चेतावनी देने आए हैं कि आपने जो भी गलती की है हमारी भतीजी माया के साथ, वो गलती अगर आपने दोबारा करने की कोशिश की, यानी कि आपने उसको आत्महत्या के लिए भड़काया था ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती आपके साथ घट जाए और आपकी लाश कहीं कोने में पड़ी हुई मिले जहां पर चील और कौवे उसे नोच कर खा रहे हों. याद रखिएगा इस बात को. दुष्यंत से लड़ना मुश्किल होगा क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं. पहली बार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे रोकूं इस शादी को. ये शादी सिर्फ प्राची रोक सकती है. रणवीर ये शादी नहीं करना चाहता और जो रणवीर नहीं चाहता वो प्राची होने नहीं देगी. पल्लो, वो प्राची और उसकी फैमिली को बुलाया क्या शादी में? जी, बुलाया हमको. ये इन्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है प्राची और उसकी फैमिली पर? क्या हुआ? आप लोग तो बड़े फियरफुल हो गए भाई, इतना क्यों डरे हुए? हम क्यों डरे? पर आपको नहीं बुलाना है तो मत बुलाइए ना. पर रणवीर के फैमिली ने हमें बुलाया है तो हम तो जाएंगे. बहुत जिद्दी हैं आप. लगता है बड़े पापा आपने इन्हें समझाया नहीं अच्छे से. बेटा, हमारी भाषा इन्हें समझ में नहीं आई है, लेडीज की भाषा में समझाओ. हाँ भाई साहब, सही कह रहे हैं आप. अब जब सबको सब कुछ पता ही है तो मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगी, सीधी बात करूंगी. तुम लोग शादी में नहीं आओगे. कोई भी बहाना लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन शादी में कोई नहीं आना चाहिए. और अगर इसके बावजूद भी शादी में आ गए तो फिर अपनी इज्जत अपने हाथों है. प्राची, तुमने मेरे और रणबीर की शादी में सबसे ज्यादा टांग अड़ाई है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ मत करना, वरना टांग अड़ाने के चक्कर में दोनों टांग ही ना चला जाए. वो क्या है ना, मेरे बड़े पापा के लिए सब बहुत ज्यादा नॉर्मल है. और वैसे भी तुम तो पहले से ही कहती आ रही हो कि तुम रणबीर से प्यार नहीं करती, पर तुम्हारे चेहरे पर ना ये साफ दिखता है कि तुम रणबीर से प्यार करती हो. कम से कम उस प्यार के लिए शादी में मत आना. बड़े पापा अगर अभी भी ये ना समझे ना, इन्हें ना अच्छे से समझा देना. और लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क मत समझना. अरे नहीं बेटा, इन्हें जहाँ तक है बात समझ में आ गई होगी. चलो, अब शादी की और भी तैयारियां करनी है ना. बड़े मच्छर है भाई इस घर में, भाई रखा कीजिए, कोरोना काल चल रहा है, समझ गए ना आप लोग. पूरा का पूरा फैमिली गुंडा है, पर नसीब वाले हैं प्रज्ञा घर में नहीं. अगर वो होती ना तो वो अभी करना क्या है. हम शादी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाना खतरों से खाली नहीं है. वो माया के ताऊ जी है ना, वो बंदूक को तो खिलौना समझते हैं. कहीं गोली वोली चला दी तो. मतलब हम नहीं जा रहे?
रणबीर, आप मुझे नहीं लगता कि हम पहले जैसे कनेक्टेड हैं। क्या मतलब? वही जो तुम्हारे दिल में है लेकिन तुम बोलते नहीं। Listen, I'm still connected with you, okay? इसलिए तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो मुझे पता चल जाता है। And that's why I can read your mind. Okay, but तुम कहना क्या चाह रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे समझोगे? मैं थोड़े दिन के लिए घर से क्या चली गई, मेरी जगह पे कोई और आ गया। मुझे कुछ रणबीर, मैं जहाँ पहले थी अब मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरी जगह पे कोई और है। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम घुमा घुमा के बात क्यों कर रही हो? Can make it simple for you. तुम माया से शादी नहीं करना चाहते ना? तुमने ये बात कभी कही? Of course, सबको कही, और क्या करता हूँ मैं, यही तो बोलता हूँ। सबको पता है मैं माया से शादी नहीं करना चाहता। मुझसे कही? Tell me. याद नहीं है मेरे को। याद नहीं है? Wow. तुम्हें याद ही नहीं कि तुमने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की है या नहीं? That's good. Again, not worry. तुम्हारी यही प्रॉब्लम ना सॉल्व हो सकती है, बस एक बार कह दो कि तुम माया से शादी नहीं करना चाहते। यार मैं भूल भूल के थक गया हूँ सबको बता बता के कि मेरे को नहीं करनी है, नहीं करनी है, पर मेरे बोलने से कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं बोलने से तो कुछ नहीं होगा रणबीर, लेकिन शायद कुछ बोल दोगे तो कुछ हो सकता है। सबने अपने अपने लेवल पर ट्राई करके देख लिया ना, ये शादी नहीं रुक रही है। एक बार मैं भी ट्राई करके देखूंगी। कैसा क्या करोगी तुम जिससे शादी रुक जाएगी? I'll do something, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी किससे होनी चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट, बस इस फेवर के बदले में तुम्हें भी मेरा एक फेवर करना पड़ेगा। तुम्हें क्या चाहिए? वो मैं काम होने के बाद में बताऊंगी। वेल आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, कांट वेस्ट टाइम। आई विल सी यू, गुड नाइट। तुमने मेरी और रणबीर की शादी में सबसे ज्यादा टांग अड़ाई है। तुम तो पहले से कहती आ रही हो कि तुम रणबीर से प्यार नहीं करती, रणबीर से प्यार नहीं करती, पर तुम्हारे चेहरे पर ना ये साफ दिखता है कि तुम रणबीर से प्यार करती हो। मैं नहीं जानती ये पहले से है या अभी शुरू हुई है, पर इतना जरूर जानती हूँ अब मैं रणबीर की शादी माया से या किसी और से होते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी और का नहीं हो सकता प्राची, तुम मुझसे प्यार करो ना करो लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। इसीलिए तो मुझे सोच के भी डर लग रहा है कि अगर कल मेरी किसी से शादी हो जाए तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। यार ये फीलिंग मुझे अंदर से खा रही है, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, मैंने तो अभी तक उसे बताया भी नहीं, और उसकी शादी माया से नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। जब वो मेरा दोस्त था मैं उसे दोस्त समझती थी, कितना कुछ किया मैंने उसके लिए, और अब तो वो मेरा मैंने एक बार कहा था अपनों को और अपने प्यार को कभी दूर मत होने देना, अब रणबीर को माया से या किसी और से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरी लड़ाई है, मैं उसे लड़ूंगी। मैं रणबीर से प्यार करने लगी हूँ, हाँ मैं रणबीर से प्यार करने लगी हूँ, और जब तक मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बताती तब तक आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते भगवान। मुझे नहीं पता था प्यार क्या होता है, वो तो रणबीर ने फील कराया, उसने एहसास दिलाया प्यार किसे कहते हैं। उसने मुझे कभी समझाया नहीं, पर फिर भी मैं समझ गई, किसी की आंखों में आंसू न आने देना, जिसकी जान बचाने के लिए आप दुनिया से लड़ जाते हो, अपनी जान दांव पर लगा देते हो, इसी पागलपन को प्यार कहते हैं। और ये सब रणबीर ने किया है मेरे लिए, पर अब उसके लिए ये सब करने की बारी मेरी है,
कितनी बार प्राची, कितनी बार मैंने तुम्हें रणवीर से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार उसके उतने ही क्लोज आ जाते। बस अब और नहीं प्राची। अब अगर मेरे और रणवीर के बीच में कोई भी आया तो मैं उसे फिनिश कर दूंगी, फिर चाहे वो माया हो या कोई और।